हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज सिंह जी, राहुल गांधी ट्वीट करके डिटेंशन सेंटर पर तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि आरएसएस के जो प्रधानमंत्री वो भारत माता से झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। झूठ की खेती राहुल गांधी करते हैं, दुनिया जानता है। झूठ की खेती करने के कारण राहुल गांधी को कोर्ट में भी क्षमा मांगना पड़ा है। दुनिया जानता है कि झूठ की खेती कौन करता। जहां तक सवाल रहा आरएसएस का, तो राहुल गांधी को मालूम है कि नहीं है, माताजी से पूछ लें। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने जनता पार्टी की सरकार में कहा था, दोहरी सदस्यता के नाम पर छाती ठोक के कहा था कि हम आरएसएस के हैं। लेकिन राहुल जी, हम दोहरी मूल के नहीं हैं, नागरिकता मूल के नहीं हैं। आप बताओ कि कौन दोहरी नागरिकता मूल का है। इसलिए हमें गर्व है आरएसएस होने का, और प्रधानमंत्री मेरे देश के, भारत माता के सच्चे सपूत हैं। ये डिटेंशन सेंटर को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर पे झूठ बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, राहुल गांधी में हिम्मत है? बताएं कि 2011 में किसने डिटेंशन कैंप बनवाया था? दस्तावेज को बताएं कि गलत है। देश को बताएं, देश को गुमराह ना करें। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो कहें, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा कि डिटेंशन कैंप किसके समय बना था। और नागरिकता पर आते हैं, एनपीआर पर, चिदंबरम जाके फोटो किसके साथ खिंचवाए? राष्ट्रपति उस समय थे प्रतिभा पाटिल जी, वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो फोटो किसका था? सैडो था, सैडो का फोटो था। मेरे चिदंबरम ये कह रहे हैं कि हम लोग भी जिस एनपीआर की बात कर रहे थे उसमें सामान्य निवासियों की गणना करने की बात कर रहे थे, जो रेजिडेंसी पर था, नागरिकता पर नहीं था। हम लोग वही कर रहे हैं जो इन्होंने किया था। हम सीए पर वही कर रहे हैं, हम एनपीआर पर वही कर रहे हैं। और इन्होंने ही लिखा था कि एनपीआर के बाद एनसीआर, ये चीज कांग्रेस के शासनकाल में लिखाया था। यही भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि एनआरसी, एनपीआर, एनआरसी का पहला कदम है ये मोदी सरकार में है। मोदी सरकार ने नहीं कहा था, झूठ ना बोलें, देश को गुमराह ना करें। देश को तो जलाने का काम कर रहे हैं, जो काम मुगलों ने नहीं किया, सैकड़ों साल रह करके हिंदू मुसलमान को लड़ा पाया, जो अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान नहीं कर पाया, ये कांग्रेस और ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं, ये देश को जलाने का काम कर रहे हैं। यानी मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि जो 130 करोड़ आबादी है वो सभी को हिंदू मानते हैं, और कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश है, ये मोहन भागवत किस तरह का बयान? अरे माननीय मोहन भागवत जी पहले भी कह चुके हैं, और कौन सा गलत कहा है? दुनिया जानता है कि हिंदू कोई हिंदू एक जीवन पद्धति है। आज भारत के बाहर लोग हमें हिंदू ही कहते हैं, तो भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू ही है, यही तो वो कह रहे हैं। इस पर लोगों को कष्ट क्यों हो रहा है? बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भड़काने की कोशिश कर रही है और झूठ बोल रही है, चाहे एनपीआर का मामला हो या डिटेंशन का। ये दोनों ही बातें यूपीए सरकार के दौरान थी, और इस बात को लेकर गिरिराज सिंह चुनौती भी दे रहे हैं। क्या दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, News24.